जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। लेकिन पता है आपको जनाब, इंसान के प्रयासों से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता, हारा तो वो होता है जो कभी लड़ा नहीं होता। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। हम आज जिनकी बात कर रहे हैं वो एक टीचर हैं, प्रोफेशन से वो टीचर हैं, लेकिन टीचर होने के साथ साथ वो एक कॉमेडियन भी हैं, वो एक स्पीकर भी हैं, वो एक लीडर भी हैं, वो एक CEO भी हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के प्रति डीप थिंकर भी हैं, तो प्रॉब्लम्स को लेकर चलने वाले स्ट्रगलर भी हैं। हाँ, हम अलग पांडे की बात कर रहे हैं। हाँ, वही फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग थॉट रखने वाले अलग पांडे। एक शानदार व्यक्तित्व हैं, वो आपके लिए भी इंस्पिरेशन सेट करते हैं और हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है ही। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कहानी आज एक बड़ी मंजिल का रूप ले चुकी है। उन्होंने वो कर दिखाया है जिससे आप उन्हें भी अपना आइडियल मान सकते हैं, हम भी उन्हें अपना आइडियल मान सकते हैं। एक शानदार व्यक्तित्व बनाया है उन्होंने इस एजुकेशन क्षेत्र में, एक शानदार एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगर हम शुरू से शुरू करें तो 2 अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश प्रयागराज दिन बुधवार को इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और जब इनका जन्म हुआ था कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर क्या करने वाले हैं, क्या रेवोल्यूशन लाने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। इनकी जो शुरुआती पढ़ाई रही वो बाइसेप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज से हुई, वहाँ से इनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद वो इंजीनियरिंग करने पहुँचे हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान इन्हें एक बात समझ में आ चुका था कि जो इंजीनियरिंग की तैयारी, इंजीनियरिंग 12th के बाद और इंजीनियरिंग से पहले की जो बीच का समय है जिसमें स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो बहुत क्रूशियल समय रहता है, क्योंकि इसमें वो बहुत प्रेशर में रहता है। और इस जो इन्वायरमेंट बना हुआ है इंजीनियरिंग का, कि जो एजुकेशन एक बच्चे को, जो एजुकेशन एक स्टूडेंट्स को 10 रुपये में मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन 100 रुपये की मिलती है, और एक्स्ट्रा प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान इन्हें एक बात समझ में आ गया था कि जो इंजीनियरिंग के पेपर की जो प्रिपरेशन होता है वो प्रिपरेशन बहुत कठिन है। वो प्रिपरेशन के पेपर के कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे उसके कॉस्ट की। जो शिक्षा उन्हें 10 रुपये में मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, शिक्षा 100 रुपये मिलती है, और एक लो इकोनॉमिकल फैमिली बैकग्राउंड का स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और यहीं से वो एक थॉट बना लेते हैं, वो एक अपना गोल बना लेते हैं कि आगे जाकर मैं इस क्षेत्र में कुछ करूंगा। और जब उनकी इंजीनियरिंग पूरी होती है तो वो फिर एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं उत्तर प्रदेश में ही, जिसमें वो RTJEE नीट के बच्चों को पढ़ाया करते थे। और 4 साल बीत गए, और 4 साल बीतने के बाद उन्हें एक बात समझ में आ गया कि मैं ऐसे कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं पढ़ा सकता हूँ। तो फिर वो ऑनलाइन शिफ्ट होने का डिसाइड किए, इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते रहे, और फिर उसके बाद ऑनलाइन भी वीडियोस अपलोड करने लगे। और जैसे जैसे ऑनलाइन उन्हें रिस्पांस मिलने लगा, ऑनलाइन उसे प्यार मिलने लगा, शुरुआती ऑनलाइन की जर्नी काफ़ी कठिन रही, लेकिन जैसे जैसे धीरे स्टूडेंट्स आने लगे, क्योंकि जिस समय वो ऑनलाइन पर आए थे उस समय ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ा रहा था। हाँ, कुछ छोटे छोटे चैनल थे जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी, प्रदीप छत्रपाल सर, लेकिन जो इन लोगों का कंटेंट होता था वो कंटेंट पूरा नहीं होता था। अगर पूरा होता भी था तो वो जिस प्रकार पढ़ाते थे वो काफ़ी कम लोग रिलेट कर पाते थे। लेकिन जब सर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए तो इनका जो पढ़ाने का तरीका था वो फैबुलस था, बहुत अच्छा था, और इनका कंटेंट पूरा रहता था। वीडियोस का ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा रहता था, वीडियोस कंटिन्यूस आते थे और रेगुलरली अपलोड करते थे, और कंटेंट पूरा रहता था, जिसके कारण कि लोग इनके साथ रिलेट करते गए, जुड़ते चले गए, और आज सर इस स्थान पर पहुँच चुके हैं और बहुत सी एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं सर हमारे लिए और आप सभी के लिए। बहुत सी सारी लाइफ लर्निंग्स मिलती है हमें उनके लाइफ से, जो हमें सीखना चाहिए, हमें अपने लाइफ में अप्लाइड करना चाहिए। सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे लगती है उनके लाइफ से, कि वो एबिलिटी टू टेक डिसीजन, कि उनकी जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है वो बहुत शानदार है। वो कहते हैं कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे हर वक्त कि बुरा होगा, मंजिल की तरफ बढ़ते रहो जनाब, हार ही मिलेगी ना, तजुर्बा नया होगा। उनका जो डिसीजन लेने का काबिलियत थी, जो उनका डिसीजन लेने का एबिलिटी थी, बहुत शानदार था। वो डिसीजन लेने में नहीं हिचकिचाते थे, नहीं डरते थे, वो सोचते थे कि क्या होगा, मुझे हार मिलेगी, मैं असफल हो जाऊंगा, लेकिन उस असफलता के पीछे का जो सफल डिसीजन लेने की काबिलियत वो बड़ी है। और उनका डिसीजन लेने की काबिलियत के कारण वो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म के फेस बन चुके हैं, और आज सबको वो इंस्पायर कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं, टीचर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम जो है उसको इंस्पायर कर रहे हैं। वो एक बहुत मोटिवेशनल और काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति है, कभी बोर नहीं होते अपने काम के प्रति, क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट है। और जो दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग मुझे मिलती है उनके लाइफ से, वो है कि डिफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्या डिफिनेशन ऑफ सक्सेस होता है, क्या मार्जिन सेट किया गया डिफिनेशन ऑफ सक्सेस। डिफिनेशन ऑफ सक्सेस कोई थाली में लगाया हुआ मीठा नहीं, जो आप जाएंगे और खा लेंगे और आपको मिल जाएगा जनाब। कंटिन्यू निरंतरता प्रयास करने के बाद ही सक्सेस मिलती है किसी को। अब वो कहते भी हैं रास्ते बदलो मंजिल नहीं। अगर हम कोई काम कर नहीं पाते हैं, हमें लगता है ये काम कठिन है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, उसे बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई काम कठिन नहीं होता, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट लेकर नहीं आता, यहीं पे प्रयास करके चीज़ों को स्टैब्लिश करता है, चीज़ों को अपने हिसाब से बनाता है, तब जाके वो सफल होता है। और सर हमारे लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है।
और ये छोटी सी बायोग्राफी है उनकी, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं, किसकी बायोग्राफी पे चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।